हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित्रावत ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ नोएडा, और रास्ते में आपको बताता हूँ कि मैं नोएडा किस लिए जा रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ। तो चलते हैं और मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो दोस्तों, घर से मैं निकल गया हूँ नोएडा के लिए। तो हम जा रहे हैं नोएडा में, मदर सन कंपनी है जहाँ मेरे दोस्त को जॉब की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं बस स्टैंड में पहुंचने वाला हूं, और बस स्टैंड में मेरा दोस्त वेट कर रहा है मेरा। चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त ऑटो में बैठ गए हैं और वही लेके जा रहा है, उसी को रास्ता पता है। देखते हैं कहां लेके जाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं चांद सिनेमा। दे दिए, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो हम उतर गए हैं चांद सिनेमा। अब यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे, एक और ऑटो रिक्शा जो भी मिलेगा वहाँ जाएंगे। दोस्तों, अभी हम यहाँ आए हैं, अभी एक और ऑटो पकड़ना है हमें, फिर उसको देखेंगे। और ये मेरा दोस्त अनुप है, इसी की जॉब के लिए पता करने जा रहे हैं। और मेरे को अब पता चला कि अभी हमें पता भी नहीं कि वैकेंसी निकली नहीं निकली, वहाँ ओपन है या नहीं है। पर अब जब निकल गए हैं तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे जॉब है या नहीं है। चलो चलें, कहाँ है वो? तो दूसरे रिक्शे से भी हम उतर गए हैं। कितने कितने रिक्शे और करने हैं हमें? अब रिक्शे नहीं है, पैदल पैदल करेंगे। अब थोड़ा पैदल का रास्ता है। तो दोस्तों, मदरसन में हम जा रहे हैं, अभी रास्ते में ही हैं। और मदरसन जो कंपनी है वो गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है। तो ढंग से तो हमें ही नहीं कि क्या पार्ट्स बनाती है, जहाँ तक है वायर के और अंदर छोटे मोटे जो भी पार्ट्स होते हैं काफ़ी पार्ट्स बनते हैं। और नोएडा में काफ़ी कंपनियाँ हैं मदरसन की, बस हमें ये चेक करना है कि वहाँ पर अभी हायरिंग चल रही है नहीं चल रही। अगर चल रही होगी तो हम अपना रिज्यूम वहाँ जमा करके आएंगे मेरे दोस्त का। दोस्तों, हम अभी नोएडा में ही घूम रहे हैं और सेक्टर 6 है, और यहाँ पे काफ़ी कंपनी है, मतलब अच्छी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और लेबर वर्क का काम जो नॉर्मल होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे पीछे जितने भी देख रहे होंगे सारी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जो ग्रीन गेट है, तो ये मदरसन कंपनी है। हमने किससे कंफर्म किया, और अभी पता करते हैं गार्ड के पास जाके कि वैकेंसी है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए गया है बस। आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरी कंपनी है। अब तो ये बात तभी पता चलेगी जब ये लड़का काम करेगा, मेरा दोस्त, तभी पता चलेगा कि क्या है ना है। ये तो नहीं है A15। तो अभी हमें A15 में जाना है, वहाँ पे भी कंफर्म करना है। यहाँ पे तो मना कर दिया इसने, गार्ड ने बोला यहाँ पे नहीं बताते, इसकी अपडेट होती है आगे A15 में। तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं। ये है मदरसन की, जो आप देख रहे हो पूरी वाइट वाइट हो रखी है। आप जाके यहाँ पता करते हैं कि यहाँ वैकेंसी है या नहीं है। और काफ़ी अच्छी लग रही है, लग रही है। पता कर है? बल्ब बनाने की कंपनी में काम करेगा ये लड़का। है? ये लड़का बल्ब बनाने की कंपनी में काम करेगा। तो ऐसे चलता है भाई, कंफर्म कर ये बल्ब बनाने की कंपनी में काम करेगा। ऐसे ही होता है, देख खड़े खड़े कर। तो अब देखते हैं, पता करते हैं मेरे पीछे, मेरे जो पीछे है ये कंपनी है। और अभी जाएगा तो दोस्त पता करेगा। भाई हाँ, वो तो तेरे ऊपर है ना। नहीं, वो तो बात सही है, पर यार कैपेसिटी है, किसी कोई कर ले कोई नहीं कर पाएगा। तो जिनको आप लगाने आए हैं वो कर लेंगे इस खड़े होके काम, मतलब इतने घंटे तक।
वो भी एक महीने दो महीने करके देख लेंगे अगर देखो है हाँ वो अब करते हैं, काफी बंदे करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, बट वही चीज है आप देख रहे होंगे। हम एक चीज पता चली है कि यहाँ पे कम से कम ओवर टाइम लगता है और 16-17 घंटे तुम खड़े होके जॉब करनी पड़ेगी अगर ओवर टाइम होगा तो, वो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो इसीलिए ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आने के बाद कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता, किसी कैपेसिटी होती है कि हाँ 15-16 घंटे खड़े होकर काम कर सकता है, तो देखते हैं अगर लगता है दोस्त तो वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितने टाइम तक करेगा, एक दो महीने करेगा, फिर अंदर की काफ़ी चीज़ें होती हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको कि कैसे काम होता है, क्या होता है, इसमें काम करना सही है या नहीं है, अंदर की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों सारा पता करने के बाद हमें फाइनली ये पता चला है कि यहाँ पे मतलब अगर 9 बजे की शिफ्ट है और 1-2 बजे तक जितने बजे तक ख़त्म होती है शिफ्ट, तो उसके बाद अगर ओवर टाइम है तो वो आपको लगाना पड़ेगा पूरा 8 घंटे का, मतलब 16-17 घंटे आप स्टैंड मतलब खड़े होकर जॉब करनी पड़ेगी आपको, और कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली होगा हर रोज़ आपको ओवर टाइम मिलेगा, मतलब महीने में 10 दिन हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, तो यहाँ पे करने वाले 30-30 दिन भी ओवर टाइम करते हैं 16-16 घंटे, और देखते हैं अब कल ये आएगा अपना रिज्यूम जो भी इससे मांगा गया है वो लेके आएगा और यहाँ सबमिट करवाएगा, फिर देखते हैं एक महीने यही जॉब करेगा, उसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना के भी डालूँगा मैं कि अंदर रियल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता चले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।